हरे कृष्णा, वेलकम टू राधा रानीज किचन। तो आज की भोगा ऑफरिंग में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और झटपट तैयार होने वाली चुकंदर की पूड़ी। तो लेट्स गो फॉर कुकिंग। चुकंदर की पूड़ी बनाने के लिए हमने लिए दो चुकंदर, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। हम इस चुकंदर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से हम ये चुकंदर काट लेंगे। हमने दोनों चुकंदर काट लिए हैं, अदरक भी हमारा कटा हुआ है। मिर्ची को हम ऐसे ही तोड़ लेंगे दो टुकड़ों में। और अब क्या करेंगे, इस चुकंदर, अदरक और हरी मिर्च को हम पानी में उबाल लेंगे। तो हमने एक कप पानी को उबलने रख दिया था। अब हम ये चुकंदर, अदरक और हरी मिर्च इस पानी में डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए ढककर उबाल लेंगे। 5 मिनट चुकंदर को उबलते हुए हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं कि चुकंदर हमारा पक गया है कि नहीं। जब हम चाकू बीच में डालेंगे चुकंदर में तो पता चल जाएगा सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्टली चाकू अंदर घुस भी गया है और ये हम हाथ से तोड़ रहे हैं तो हाथ से कट भी गया है। तो ये चुकंदर हमारे पक गए हैं। गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको अभी हम ठंडा होने देंगे। हमारा ये उबला हुआ चुकंदर ठंडा हो गया है। अब इसे हम मिक्सी में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए ये ब्लेंड होके बहुत ही बारीक बढ़िया पिसकर तैयार है। अब इसे हम एक बार छान लेंगे। छानेंगे इसलिए कि कहीं कोई लम्स या कुछ ना हो, अगर हुआ तो फिर पूड़ी फूलेगी नहीं, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से दबा दबा कर हमने पूरा रस निकाल दिया है। अब देखिए अगर ये बीच में रहता आटे के तो हमारी पूड़ी फूल ना पाती, इसीलिए हमने इसको छाना है कि जो भी लम्स होंगे, जो अदरक का हो चाहे चुकंदर का हो, सब निकल जाएगा। और अच्छी तरह से दबा भी दिया है कि पूरा रस निकल गया है। अब हम ये मिक्सर को परात में डाल लेंगे जिसमें हमने आटा गूंदना है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा हो, इतने मिक्सर से हम जो आटा गूंदेंगे उससे 30 से 35 पूड़ी बन जाएगी। अगर आपको कम करना हो तो आप इस उबले हुए मिक्सर को भी हम डिब्बी में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। 1 चम्मच मैंने नमक डाला छोटे वाला। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इक्वली सारे में नमक मिल जाए। अब इसमें मैं आटा डालना शुरू करूँगी। अलग से पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ आटा डालते चलेंगे। और पहले मैं 1 कप आटा डाल रही हूँ। आटा धीरे धीरे साथ साथ डलता चलेगा जितना आटे की और ज़रूरत होगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको देखकर लग रहा है कि अभी हमारा 1.5 कप आटा और डल जाएगा, तो मैं पहले 1 कप आटा डालूंगी। आप चाहें तो बैटर को कम भी कर सकते हैं। अभी भी ये काफ़ी पतला है आटा, तो इसमें मैं आटा और मिक्स करूंगी। अब मैंने 1/2 कप आटा लिया है, 1/2 कप आटा पहले डालूंगी। तो अभी तक हमारा 2.5 कप आटा डल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए हमारे 2.5 कप आटे में बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से गूंथेंगे कि किसी भी तरह का आटे में कोई लम्स ना हो और आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो, जिससे कि पूड़ी फूल फूल के निकले। वैसे तो चुकंदर बच्चे खाते नहीं हैं, उनको उसका टेस्ट बकबका लगता है, लेकिन जब चुकंदर की पूड़ी बनती है तो वो पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी तो है ही है। तो देखिए ये आटा तैयार है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर हम इसे पूड़ी तलेंगे। हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है, 10 मिनट हो गए आटे को रखे भी। तो अब हम छोटी छोटी लोई बनाना स्टार्ट करते हैं। हम छोटी छोटी लोई
बना लेंगे इस आटे से, जिससे कि हम पूड़ी बेलेंगे। थोड़ा सा ऑयल नीचे लगाएंगे और अब इस पे पूड़ी को बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से गोल गोल बेलते जाएंगे। पूड़ी बिल गई है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल के देखते हैं। देखिए ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ऑयल गर्म हो गया है। हम इसे निकाल लेंगे और इसमें अब डालेंगे पूड़ी जो हमने बेली हुई। देखिए कैसे फूल कर पूड़ी तैयार हो रही है, कितनी बढ़िया फूली है पूड़ी। तो इसी तरह से हम सारी पूड़ी तलकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो हम इन गर्म गर्म चुकंदर की पूड़ियों को आलू की सब्जी के साथ तुलसी जी डालकर गरम चाय को भोग लगाते हैं।